हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मी सहेली चैनल। आज मैं आपके लिए काढ़ा से छुटकारा पाने वाली वीडियो लेके आई हूँ। आज मैं आपको काढ़ा टैबलेट बनाना सिखाऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। ये बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाली है और ये सभी की ज़रूरी का वीडियो है, तो आप इसे ज़रूर पूरा वॉच कीजिएगा फ्रेंड्स। तो बहुत कोई को काढ़ा पीना पसंद नहीं होता है और बच्चे भी आसानी से काढ़ा पीना नहीं चाहते हैं, तो मैं आज आपको काढ़ा का टैबलेट बनाना सिखाऊंगी। ये बहुत ही अच्छा टैबलेट बनेगा। तो मैं उसके लिए क्या क्या ली हूँ देखिए, ये मैं दालचीनी ली हूँ और ये जीरा ली हूँ और मैं ये अदरक का टुकड़ा ली हूँ और ये लौंग है, ये काली मिर्च है। मैं इस चम्मच से सभी को एक एक चम्मच ली हूँ। मैं आपको सिर्फ बताना दिखा रही हूँ। और ये हल्दी का पाउडर है, मेरे पास कच्चा हल्दी नहीं था तो मैं हल्दी का पाउडर ली हूँ। यदि आपके पास कच्चा हल्दी है तो आप उसे ही डालें। अब मैं एक एक चम्मच लेकर आपको दिखा रही हूँ। आप ज़्यादा से इसे बनाना चाहेंगे तो 2 चम्मच 3 चम्मच इस मात्रा से ले सकते हैं। और ये हरा तुलसी का पत्ता है, मैं इसे अच्छे से धो के साफ़ कर ली हूँ और मैं इसका इस्तेमाल इस टैबलेट बनाने में करूँगी। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। और मैं इससे भी अच्छा अच्छा वीडियो लाती रहूँगी आपके लिए बहुत ही आसान तरीके से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लेंगे। मैं अदरक को कटिंग कर ले रही हूँ। मैं इस आप चाहें तो इसका सूखा पाउडर भी बना कर रख सकते हैं फ्रेंड्स। यदि आप इसका सूखा पाउडर बनाना चाहते हैं तो आप अदरक के जगह सौंठ लें और तुलसी पत्ता को गीला के जगह आप उसे सुखा के लें। अब मैं बारी बारी से इसमें सारे सामग्री को डाल दूँगी और इसका मैं पाउडर बना लूँगी। इसका आप पाउडर बना के आसानी से रख लेंगे डब्बा में और उसे आप चाहें तो दूध के साथ या गर्म पानी के साथ 1 चम्मच डाल के अपने फैमिली मेम्बर को दे सकते हैं। अभी जैसा कि जानते हैं कि सारे जगह कोरोना लेके कैसा महामारी सी फैली हुई है, सभी कोई बोलते हैं कि अभी के समय में काढ़ा पीना चाहिए सभी कोई को, तो हर हमेशा ये सब सामान जो है घर में उपलब्ध नहीं रहता है, कभी कुछ रहता है कभी कुछ नहीं रहता है। तो आप आराम से इसमें मैं सौंफ भी डाल रही हूँ, आप आराम से एक बार में सारा सामान ले आके और इसका अच्छा सा पाउडर तैयार कर लें और उसका टिकिया बना के रख लें, और नहीं तो इसे सूखा ही बना के आप रख सकते हैं। ये सौंफ का मैं पाउडर दूंगी क्योंकि इसमें हर चीज़ में जैसे कि लौंग गोल मिर्च ये सब दी हूँ तो सब गर्म होता है। इसके साथ मैं थोड़ा सा सौंफ और जीरा डाली हूँ। देखिए इस तरह से ये कितना अच्छा सा ये पाउडर तैयार हो गया है। लेकिन मैं इसे रख नहीं सकूँगी ऐसे पाउडर बना के क्योंकि इसमें मैं अदरक डाली हूँ। फ्रेंड्स, आप इसमें सौंठ का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये तुलसी पत्ता को आप पहले धूप में अच्छे से सुखा लें और उसके बाद इसमें आप डालें। आपको जैसा आसानी लगे आप वैसा बना सकते हैं। मैं इतना डालूंगी और इतना रखूंगी, फिर मैं जब मेरा ये टिकिया ख़त्म हो जाएगा तब मैं फिर उसको उसके साथ इस्तेमाल कर लूंगी। देखिए तुलसी पत्ता को भी मैं साथ में पीसती हूँ। अब ये थोड़ा सूखा सूखा है, इसमें मैं थोड़ा पानी डालूँगी। आप पानी एकदम अंदाज से डालें, इसमें पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इतना डालें कि ये थोड़ा सा चिपचिपा हो जाए और टिकिया बनाने में आसानी हो। और यदि इसमें ज़्यादा पानी डाल देंगे तो जब टिकिया बनाइएगा तो टिकिया में से थोड़ा थोड़ा पानी निकल जाएगा रिस रिस के, तो वो इतना पानी नहीं डालिएगा, इतना ही डालिएगा कि ये इसमें ही लिपटा रहे। और इसे निकालने के बाद इसे अच्छे से दबा दबा के इस तरह से अच्छे से दबा दबा के थोड़ा मैश कर लेंगे, इससे भी ये थोड़ा चिपचिपा सा हो जाएगा और टिकिया बनाने में बहुत ही आसानी होगी। ये बहुत ही यूजफुल वीडियो है फ्रेंड्स। मैं ऐसे ही टिकिया बना के रख लेती हूँ और टाइम रहे ना रहे फैमिली मेंबर में सभी को मालूम है कि इसमें से एक टिकिया सुबह और एक टिकिया शाम को लेना है, तो वो आसानी से ले लेते हैं और जो बच्चे हैं उन्हें मैं दे देती हूँ। इस प्रकार से आप छोटा छोटा सा इसका गोल गोल इस तरह से गोली टाइप का बना के आप
थाली में सुखा लें। यदि धूप है तो आप इसे एक घंटे के लिए धूप में डाल दें, उसके बाद इसे फैन के नीचे ही सुखाएं, ज़्यादा देर इसे धूप में ना सुखाएं। इस प्रकार से मैं छोटा छोटा सा बना के, ये सूखने के बाद और भी छोटा हो जाएगा, और अब जब बनाएं तो ज़्यादा बड़ा ना बनाएं, जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है आप वैसा ही बनाएंगे। यदि ज़्यादा बड़ा बन भी गया तो कोई बात नहीं है, उसे आप तोड़ के इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे खाना भी बहुत आसानी से, मुँह में लीजिएगा तो ये घुल जाएगा, उसके ऊपर से आप एक गिलास गर्म पानी पी लें और ये आपका काढ़ा का काम करेगा। और खांसी सर्दी जुकाम से आपको बचाए रखेगा, आपके फैमिली की सुरक्षा होगी इससे, इस टिकिया को खिलाने से। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए, इस सूखने के बाद कुछ इस प्रकार का हो गया है इसका कलर। इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है, जब आप बनाएंगे तो खुद समझ जाएंगे। ये अभी और सूखेगा, अभी थोड़ा सा गीला है, और सूखने के बाद ये थोड़ा छोटा हो जाएगा। छोटे बच्चे को आप छोटा दें, और बड़े आदमी है तो इतना बड़ा आप इसे दे सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ अगले वीडियो में नई बातों के साथ।